السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز، اس سال پھر ہم آپ کو دکھائیں گے میلہ، مائی صاحب کا میلہ، تو تیار ہو جائیے۔ یہ دیکھیں، وہاں سے سٹال شروع ہوتے ہیں جو کھانے پینے کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ وہاں تک لگے ہوئے ہیں۔ یہ ادھر پارکنگ کے لیے جگہ بنائی ہوئی ہے انہوں نے۔ یہ سال 2023 کا میلہ ہے جی مائی صاحب کا، جو چک جمرہ کے نواحی شہر ضلع فیصل آباد اور تحصیل چک جمرہ میں لگتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ کو اندر کے مناظر دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، ٹریفک بہت زیادہ ہے۔ بچوں کے لیے مختلف کھلونے ہیں، خرد و نوش کی اشیاء ہے۔ بڑا ماحول ادھر ہوتا ہے، دیکھنے والا، دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ واو، وہاں دیکھیں ذرا، جو چاہیں آپ یہاں سے کھا سکتے ہیں پیسے دے کر، فری آف کاسٹ یہ اندر سے ملتا ہے، جسے لنگر کہتے ہیں۔ دیکھیں جی، ماشاءاللہ، خوش آمدید، خوش آمدید، سواگتم، ویلکم، موسٹ ویلکم۔ اب ہم دربار کی انٹرنس میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ پیچھے میرے سامنے دربار ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ وہ دیکھیں، وہ سامنے دربار ہے۔ یہ دیکھیں پانی کتنا جمع ہوا ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی کہ یہ پانی کیوں جمع ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ پہلے ہم چلیں سلام کرتے ہیں دربار۔ Thank you.
देखें जी, यहाँ पे अलमे पाक लगा हुआ है, बिल्कुल दरबार के साइड पे ये इधर अलमे पाक लगा हुआ है। ये अब हम दोबारा एंट्रेंस के पास आ गए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कवाली वगैरह होती है और बाजा वगैरह भी यहाँ ही बजता है, पीर साहब यहीं बैठते हैं। जो छोटे छोटे मेले की वीडियो मैंने अपलोड की थी वो यहीं पर थी। गाइस ये देखें, जगह जगह से गीला हुआ है और कीचड़ बना हुआ है। ये इसलिए है कि जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ धूप है, ठीक है। कल भी इसी तरह थी, बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी और कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि रात को इस कदर तेज़ बारिश होगी। जी हाँ दोस्तों, कल ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये हर साल ऐसे ही होता है। जब भी मई का मेला आता है यहाँ पर, जब भी चिरागों का दिन होता है, आज चिराग है ना, तो एक दिन पहले या चिरागों के दिन, हर साल इत्तेफाक नहीं है, ये अंधेरी आती है और बारिश होती है। पिछले साल भी इसी तरह हुआ था। ये देखिए क्या हालत हुई हुई है गाइस। ये बुजुर्गों का कहना है कि ये हर साल अंधेरी माई के दरबार पे सलाम करने आती है और हम इधर रहते हैं, हमें पता है ये ऐसे ही होता है हर साल। हर साल अंधेरी आती है माई के दरबार पर चिरागों वाले दिन, और अंधेरी आती है, खूब तेज बारिश हुई कल रात, तूफान आया था। ये देखें जी, मुख्तलिफ जगहों पर लंगर तैयार हो रहा है, लोग आते हैं, नजरों नियाज पकाते हैं और लोगों में तकसीम करते हैं। ये टेंट में भी पड़े हुए हैं, देखें पड़ी हुई हैं। गाइस ये है मंजर, आपको कल दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो वही जाने के काबिल नहीं है दूसरी जाने वाला। ये देखें कितना कीचड़ हुआ हुआ है, ये कल दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो डोलियों वाला, डोलियां भी काफी लगी हुई हैं, पिछली बार एक ही लगी थी और बेड़े भी लगे हुए हैं। दो सर्कसियाँ इस बार आई हैं, दो सर्कसियाँ, वो भी बाद में दिखाएंगे आपको। गाइस ये देखें, यहाँ भी लंगर तैयार हो रहा है, न्याज तैयार हो रही है। और ये चूल्हा बन रहा है, चूल्हा देख के लिए। गाइस ये देखें, हमारे साथ हम न्यूज़ के एंकर भी मौजूद हैं और ये भी कवरेज करने आए हैं मई साहब के मेले की। जरा नाइस नाज़रीन को थोड़ा सा अपना तारफ़ करवा दें जी। हम यहाँ पे आए हैं, हम न्यूज़ का, मैं चक जुमरा का रिपोर्टर हूँ और यहाँ पे कवरेज के लिए आया हूँ। हम यहाँ पे कवरेज करने आए हैं और हर साल इंशाल्लाह कवरेज करते हैं और बेहतर है आप भी इंजॉय करें। ये मेला हर साल लगाया जाता है और हम हर साल यहाँ की कवरेज करते हैं। अरशद अली मेरा नाम है और हम न्यूज़ का चक जुमरा का रिपोर्टर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं और अपनी अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हैं। गाइस ये देखें आप, जैसा कि देख सकते हैं ये एक नेशनल लेवल का मेला बन चुका है। न्यूज़ कवरेज के लिए भी हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं। गाइस ये देखें, ये अभी फिल वक्त पीर साहब गद्दी नशीन जो हैं अभी
गाइस ये सरकार का लंगर खाना है, जहाँ लंगर तैयार होता है पीर साहब का, पीर साहब की तरफ से जो लंगर तैयार होता है वो तैयार हो रहा है। इस जगह पे गोश्त बनाते हैं और इधर ताज़ा बकरे किए जाते हैं। ये देखिए ब्लड पड़ा हुआ है। ये दरबार के फ्रंट के पीछे वाले जानिब का हिस्सा है, पिछली जानिब का। Oh, yeah.